At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का हो गया है और आज देश में एक बार फिर से बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में गठबंधन की सरकार की झलक देखने को मिली। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार में कई परियोजनाओं के लिए करीब 60 करोड़ का बजट में आवंटन किया है। वहीं सैलरीड क्लास की बात की जाए तो सरकार ने नई टैक्स रिजीम में कटौती को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। देखिए, एक ओर जहां सत्ता पक्ष इस बजट को संतुलित और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताया। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में जनता को राहत देने वाले कुछ भी नहीं है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। वह विपक्ष बजट पर तंज कस रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस बजट को कुर्सी बचाने वाला और दो लोगों का भला करने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए कांग्रेस की योजना कॉपी पेस्ट की है, बजट में उसका नाम बदल दिया गया है। इस पर चर्चा करेंगे। सियासी उलटफेर जो हो रहा है इस पर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास था ग्राफिक्स के माध्यम से। पेश कर दिया सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम, स्टैंडर्ड डिक्शन की लिमिट को बढ़ाया है। लाख तक की इनकम तक 3 नहीं चुकाना होगा टैक्स, 3 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं चुकाना होगा। शिक्षा और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। बजट में महिला विकास, युवा, ग्रामीण अंचल पर फोकस किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से यहां पर जो बजट है वो पूरी तरीके से सरकार का कहना है कि आम लोगों के लिए है, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन विपक्षी दल लगातार इस बजट को लेकर कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों का भला किया गया है और अपनी कुर्सी संभाली गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि कुर्सी संभालने के लिए सिर्फ कांग्रेस का जो बजट था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर आज देखी गई है। ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है, दूसरा ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है, तीसरा जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे MSP गारंटी का और कानूनन उसको कुछ MSP को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया रेल डिपार्टमेंट तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रहे। चल रहा है हाँ। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, अब तो 10 के बाद ही शुरू किए होते लगातार सब जगह, कितना नहीं पटना कहाँ कहाँ नहीं पटना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया कितने भी कोशिश किए थे, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए
उनके बिहार को भी आगे बढ़ना है। ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। इंटरिम बजट, एज मेंशन्ड इन द इंटरिम बजट, वी नीड टू फोकस ऑन फोर मेजर कास्ट, नेमली द गरीब, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता, द पुअर, वुमेन, यूथ एंड द फार्मर। फॉर अन्नदाता we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over cost. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget देश के हित में है, देश की जनता के हित में है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। लेकिन विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ कुर्सी बचाने जैसा है और कहीं ना कहीं बजट में गठबंधन नजर आया है और दो राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है। और साथ ही साथ विपक्ष का ये कहना है कि हम इस बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बजट कहते हैं। देश भर में इस बजट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, हम भी चर्चा करेंगे। सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, अनिता अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ी है, प्रवक्ता है बीजेपी से, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमलेश चंद त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सीएवी के कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं अर्थशास्त्री, आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत कौशिक साहब से ही कर लेते हैं। कौशिक साहब, आज के बजट को आपने सुबह से देखा होगा, फिर जब उसका पूरा कॉपी आया वो भी आपने पढ़ा होगा, इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति क्यों हो रही है इस पर हम चर्चा करेंगे। आप किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, क्या वाकई मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा ऊपर रखा गया है इस बजट में, या फिर महज सरकार हमेशा की तरह कहती है लेकिन धरातल पर कुछ और नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल है वो ठीक है, उनको आलोचना करना विपक्ष का काम है, करना चाहिए जी। बट जो बजट, जो एक्चुअल में जो बजट है और उसका देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो जो आर्थिक नीतियां हैं देश की, उनके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देश इस वक्त में जो जिन चीज से जूझ रहा है वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी हमेशा ही हर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे कोई भी सरकार, तो बेरोजगारी समाप्त तो नहीं हो पाती, न हो पाई है अभी तक, और सबको रोजगार देना देखिए ये संभव भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, सबको रोजगार देना मिलना मुश्किल काम है। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो स्किल डेवलपमेंट का उठाया है। सरकार ने देश भर में अनेक जगहों के ऊपर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का योजना बनाई है और उसमें नौजवानों को उनकी स्किल डेवलपमेंट करके और स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना, और उसके लिए मुद्रा लोन जो 10 लाख रुपए था उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है और देश में जो स्वरोजगार है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ी ये सहायक सिद्ध होने वाला है।
दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं और मैं बिजनेस की बात करता हूं और जो देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसकी मैं बात करता हूं, तो इसमें जो टैक्सीज हैं वो आज की तारीख में ये समझो कि बहुत बड़ी संख्या में एक इन्वेस्टर का वर्ग देश में खड़ा हो गया है जो कि शेयर्स में निवेश करता है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है, और उसमें जो कैपिटल गेन्स आता है वो पिछले 6 महीने में और 1 साल में बहुत लोगों को लाभ हुआ है। इससे जो हमारी कैपिटल मार्केट है उससे बहुत लाभ हुआ, तो सरकार ने उसके ऊपर ये काम किया है कि वो टैक्स को बढ़ा दिया है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको 15 से बढ़ा के 20% कर दिया, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसको 10 से बढ़ा करके 12.5% किया। तो देश को इसका रेवेन्यू तो मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं पे आम इन्वेस्टर को उसका टैक्स के रूप में उसको चुकाना पड़ेगा और उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ये भी तीसरी बात जो इस बजट में आई है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो सैलरी पेशा व्यक्ति है उनकी जो लिमिट है वो 50,000 रुपए से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दी, तो ये थोड़ी राहत उनको मिलेगी। सैलरी पेशा लोगों को करीब 16,000-17,000 रुपए उनको एक सालाना उनकी जेब में आ पाए। चौथी बात ये है कि देश में एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बूस्ट करने के लिए सरकार ने उसमें भी काफी अच्छे खासे कदम उठाए हैं। किसानों के लिए जो उन्होंने जहां पे पैदावार बढ़ती है, जहां पे क्रॉप है वहीं पे ही उस क्रॉप का निष्पादन हो सके, किसान को उसका लाभ हो सके, वहां पे कोई वैल्यू एडिशन का कोई ना कोई वहां पे प्रोजेक्ट या कोई उद्यम स्थापित हो सके, उसके लिए भी सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाया है। तो और एक बात यह भी है कि जब हमारा आधी से ज्यादा जनता कृषि पर ही निर्भर है और अगर किसान को लाभ होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से सुधरेगी, क्योंकि किसान की जब जब किसान की परचेजिंग पावर बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो वो कुछ ना कुछ खरीदता ही है, मकान बनाता है, सामान में घर में सामान लेके आता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसको इकोनॉमी को बूस्ट करने से इसमें एक आपके हिसाब से ये बजट जो है आम जनता के हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं तो मानता हूँ कि ये जो देश की जरूरत के अनुसार है और आम जनता की हित के में है, इसमें नवयुवकों का बहुत बड़ा फायदा है और बाकी उद्योग में है, सोना उसमें कस्टम ड्यूटी घटा दी है, 6% कर दी है, तो सोना अब हमारा बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता था वो घटा दिया है, उसका भाव बहुत ऊपर चला गया था, मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा नीचे आ पाएगा सोना। और उसके अलावा कई सारी मेटल्स हैं जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है उसमें भी ड्यूटी घटाती है, तो उससे तो प्राइसेज है वो स्टेबल हो पाएंगी, कीमतें नीचे आएंगी उससे। तो ये मैं मेरी दृष्टि में देखिए एक अच्छा बजट है और इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी, देश के जो नौजवान है उनको सब रोजगार मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, सब रोजगार भी मिलेगा। और देश का जो किसान है किसान के लिए उन्नत, ठीक है, वापस लौटूंगी सर, देश के किसान की उन्नति के लिए दरवाजे खुलेंगे। ठीक है सर, अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अंसारी जी, आप लोग कह रहे हैं कि बजट जो है वो पूरी तरीके से निराशाजनक है और साथ ही साथ इसमें सिर्फ दो राज्यों का, दो लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, सिर्फ गठबंधन को फायदा पहुंचा है, बाकी कुछ नहीं। क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि आम लोगों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है? क्या आप हाईलाइट्स कर पाएंगे उन पॉइंट्स को? अंसारी जी अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगी, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। वरिष्ठ पत्रकार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी, बजट को लेकर आप किस तरीके से इस पूरे, अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल को समझ पा रहे हैं, क्योंकि 3.0 में मोदी सरकार का ये पहला बजट है। बजट देश के युवाओं को, किसी क्षेत्र को और संसाधन उपलब्ध कराना, लोगों की मूलभूत समस्याओं को देखना और उनका उत्कर्ष कैसे हो, इस सारी चीजों को रखकर के ये बजट जो है मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल का प्रथम बजट पेश किया गया है। इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता। और अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि नहीं ये काफी पेश है, और ये तो विपक्ष ने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं रहा मोदी सरकार का
जिसको उन्होंने ये कहा हो कि नहीं ये कार्य परफेक्ट है या ये कार्य होना चाहिए, ये नेसेसिटी है देश की, वही स्थिति इनकी बजट में भी है। विरोध करना इनकी आइडियोलॉजी है। युवाओं का ख्याल रखा गया है, कृषि सेक्टर का ख्याल रखा गया है, लोग कृषि का उत्कर्ष कैसे हो इसका ख्याल रखा गया है, और किसानों को उनके जो उपज है वो कहाँ पे उसको हब बनाया जाए जिसकी वजह से अपने उत्पाद को वो सही तरीके से बेच करके अपना मूल्य प्राप्त कर सके, सारी चीजों का समन्वय तो किया गया है बजट में, इससे बेहतर क्या किया जा सकता। तो ये बजट आम जनता के लिए है, आप मानते हैं इस बात को जो विपक्ष कह रहा है उसको सही से नकारते हैं? मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है, सैलरी पैसा है उसका ध्यान रखा गया, किसानों का ध्यान रखा गया है, जो युवा है उनके रोजगार के लिए भी व्यवस्था किया गया, लाखों करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में, बजट के माध्यम से, तो ध्यान तो सबका रखा गया है। और यही तो जो समावेशी बजट होता है मोदी सरकार का कि जिसमें समाज का हर वर्ग जो है उसको लाभ मिल सके, तो वो इस गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। संदीप वर्मा जी, बजट को लेकर जो चर्चाएं फिलहाल राजनीतिक गलियारों में हो रही है, क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, क्या विपक्ष का कहना सही है? किसी भी राजनीतिक पार्टी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसका काम है सवाल खड़े करना पक्ष के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि अभी अब मैं सुन रहा था प्रवक्ता की, कांग्रेस के प्रवक्ता की, ये हमारे मैनिफेस्टो का कॉपी है। अगर शायद वैसा बजट नहीं, अगर उनके मैनिफेस्टो का अगर कॉपी है तो फिर उस पर हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी बात कांग्रेस के जो लोग कह रहे हैं, अगर आपके मैनिफेस्टो का कॉपी तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी सरकार भी चाहते हैं जनता के पक्ष में काम हो, जनता के पक्ष में डिसीजन हो, और जनता की जो भलाई हो सकता है, युवाओं, किसान, बेरोजगार, जितने भी लोग हैं उनके लिए अगर भलाई हो सकता है तो हमें भलाई करने में क्या दिक्कत है? अगर आपके अनुसार, अगर आपके बजट जो है जो पेश किया गया है, अगर आपके मैनिफेस्टो के अनुसार है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि जो पार्टियां हैं वो बाज नहीं आती है। आप इसमें इम्प्रूवमेंट बताइए कि हाँ इसमें और एड ऑन ये किया जा सकता है, ये और चीजें नहीं जोड़ी जा सकती हैं, बेरोजगारी के संदर्भ में और नए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किसान की उन्नति के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, हॉस्पिटल सिस्टम को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, हॉस्पिटल सिस्टम को किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी बेहतर काम करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब विषयों पर बात रखने की जरूरत है। ना कि बजट पर देखिए सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन सवाल किस तरीके का होना चाहिए, सवाल वो होना चाहिए जिससे कि जनता के हित की बात। संदीप वर्मा जी, कि जिन जिन मंत्रालय को जो भारी भरकम बजट मिला है उसमें कितना काम होगा और पहले कितना हुआ है, कितना बजट का इस्तेमाल हुआ है और बजट का असर कितना धरातल पर नजर आया है? बिल्कुल काजल जी, मैं वही दूसरी बात वही आना चाह रहा था कि अब लास्ट ईयर जो बजट गया था, क्या उस बजट पे जिस डिपार्टमेंट, मान लीजिए कौशल विकास की मैं बात करूं, कितना यूटिलाइजेशन हुआ? मैं भी अंदर खाने सब पता करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो कितना है रिसर्च के लिए जो पैसा आया, कितना यूटिलाइज हुआ? एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पैसा गया वो कितना यूटिलाइज हुआ? कृषि के क्षेत्र में जो पैसा है वो कितना यूटिलाइज हुआ? ये तो देखने वाली बात होगी। और जो अब के बजट आई है वो बजट को किस हिसाब से और कितना फास्ट यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि देखिए अगला बजट फिर आएगा तो एक साल में कितना जल्दी देखिए यूटिलाइज जितना जल्दी होगा उतना जल्दी धरातल पर विकास या वो चीज दिखेंगी, जितना धीरे यूटिलाइज हो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ नेताएं नहीं, नेता नगरी ही ऐसा करती है, प्रशासन के लोग भी होते हैं, शासन के लोग भी होते हैं, जो इस चीजों को डिले करने में भी इनका भी रोल होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं पास करने में बहुत समय लगा देते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगता है। तो ये सब चीजें भी केंद्र सरकार को इस बार देखने वाली बात है। जो अधिकारी बहुत शून्य तरीके से बैठे हुए हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनको जो है हटा के अच्छे अधिकारी को लगाने की जरूरत है, ताकि उस बजट का सही समय पे यूटिलाइज हो सके और जनता के जो हित के लिए बजट आया है उसका हित का सही समय से जो है यूटिलाइज हो सके, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है अंसारी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज। अंसारी जी, बजट को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दो लोगों का फायदा हुआ है, दो राज्यों का फायदा हुआ है, बाकी आप लोगों का ही कॉपी पेस्ट करके उन्होंने नाम बदल दिया है। देखिए, मैं आपको बजट का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं वित्त मंत्री जी से कि जो 80 करोड़ लोग जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं जी, उनके लिए बजट में क्या फायदा हुआ? मेरा पहला सवाल ये है आपसे जी कि जिनको 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं उनका क्या फायदा हुआ? और ये डाटा मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, सरकार का डाटा है। दूसरी बात, 10,000 रुपए से कम महीने की आमदनी करने वाले
तकरीबन 20 करोड़ लोग हैं, उनको इस बजट से क्या मिला? आप सवाल करिए, मैं अनिता जी से सारे सवालों का जवाब लूंगी क्योंकि हमारे पास बीजेपी प्रवक्ता भी है। जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों का क्या मिला। तीसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब तक बेरोजगारी हमारी खत्म नहीं होगी, अभी जैसे मेरे भाईजान कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि बेरोजगारी मेन मुद्दा है, उसके लिए बजट में हमारे क्या ऐसा प्रावधान किया गया जिससे जो गरीब लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको बैंकों से इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए तो बजट अच्छा होता। लेकिन वो तो सहूलत गरीबों को नहीं मिली। ये तो जो भी सहूलत आप दे रहे हैं ये सब अमीरों को दे रहे हैं। अब रही सोने की बात, अभी एक साहब कह रहे थे कि सोना सस्ता हो गया, आज की तारीख में खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चों के स्कूल जाने के लिए फीस के पैसे लोगों के पास नहीं, सोना कौन खरीदेगा, कहाँ से खरीदेंगे सोना? आज अंसारी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। अनिता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अनिता अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। अनिता अग्रवाल जी, आपने सारे सवाल तो सुन ही लिए होंगे। सबसे पहले सवाल मैंने पूछा कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन मिल रहा है, उसको लेकर आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? बजट के अंदर ऐसा क्या खास है कि आम लोगों को, गरीब लोगों को राहत मिल सकती है? सो आप प्लीज उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि आपकी सरकार जो बजट लेकर आई है वो पूरी तरह से मिडिल क्लास फ्रेंडली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में जो है सबसे पहले युवाओं के लिए जो उन्होंने रोजगार की, सबसे बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह का किया है। 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। उसके बाद आज जो सभी कहते थे कि इनका जो एनडीए है वो दिखेगा नहीं और ये बिहार के लिए और उसके लिए, उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता दें कि इसमें महिलाओं का, युवाओं का, बेरोजगारी का और आपका टैक्स का, सारी चीज़ों को देखते हुए किया गया है। और अभी एक जैसे कहा था कांग्रेस की प्रवक्ता ने बात सही बात है बोली थी कि हमारे मैनिफेस्टो, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ऐसा किया है, दूसरी तरफ हमारा मैनिफेस्टो कह रहे हैं, मतलब आप अच्छाई भी कर रहे हैं साथ में बुराई भी कर रहे हैं। मतलब हमें एक चीज़ नहीं समझ में आती कि विपक्ष ने हमेशा क्या है, विरोध करना ही सीखा है। अगर जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहने में क्या दिक्कत है, और जो खराब है उसको खराब कहिए, लेकिन आप अच्छे को भी खराब कहते हो, खराब तो खराब है ही है। ये चीजें विपक्ष की समझ में नहीं आती कि विपक्ष एक तरफ हर तरफ अपनी बात को रखना चाहता है। आज जो हर व्यक्ति कह रहा है कि बजट बहुत अच्छा आया है, आम जनता के लिए अच्छा आया, युवाओं के लिए अच्छा आया, महिलाओं के लिए अच्छा आया, सभी के लिए अच्छा है, लेकिन आज जो है कांग्रेस को या विपक्ष को उसमें भी अवगुण नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि बजट जो है मिडिल क्लास के लिए इसको एक शक्तिगा, और जो आज आप ये देखिए जो इन्होंने टैक्स की बात है, 3 लाख पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी 2.5 लाख पे था, 3 लाख पे, उसके बाद उससे ज़्यादा में 5% का, तो टैक्स में भी काफ़ी कटौती हुई है, आपने देखी है, नौकरियों के लिए भी कहा गया। और आप बताइए बजट में आप आम आदमी क्या चाहता है? यही तो चाहता है जब हमारा टैक्स माफ़ होगा, जब से होता है तो हमारी अपने आप इनकम भी बढ़ेगी, हमारे स्रोत भी बढ़ेंगे, हमारी महंगाई भी कम होगी। और देखिए सोना चांदी में भी इन्होंने कम किया है, तो हर चीज़, और यहाँ तक कि आपके कैंसर की दवाएं हैं या दूसरी दवाइयां हैं आम आदमी के लिए, वो बहुत सुविधा, वो उसके लिए उसको एक राहत दी गई है। और सबसे मोबाइल आज हर जगह व्यक्ति की जो होता है, बच्चे की जो होता है, सबकी है, उसको कम रेंज में किया गया। तो सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि छोटी चीज़ों पर जब ध्यान दिया जा सकता है तो वही दे सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा, जो केवल हवाई फाई होगा, सोने का चम्मच लेके पैदा होगा, वो नहीं सोच सकता, ये वही सोच सकता है जो जमीन से जुड़ा है। तो वही जमीनी ताकत को ही उन्होंने आगे बढ़ाकर इस बजट को दिया है, और बजट से जनता, आम जनता प्रसन्न है। विपक्ष को तो हम कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते क्योंकि विपक्ष का काम ही केवल विरोध करना है। ठीक है, अनिता अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो बजट है वो बहुत ही देश के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और जो महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, उनको देखकर इस पूरा बजट जो है वो प्लान किया गया है और निकलकर सामने आए। ठीक है, यहाँ पर कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं। तो कौशिक जी, एक जरा एक टेक्स्ट हुआ करता था
ये टैक्स था 2012 जब यूपी की सरकार थी, एंजल टैक्स, इसको आज खत्म कर दिया गया एनडीए सरकार में। जरा इसको हाईलाइट कर पाएंगे, क्या था ये, इससे क्या फायदा आप लोगों को हो सकता है, क्या नुकसान हो रहा था? बहुत आम सी भाषा में, ज्यादा अगर आप वो करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, क्या खत्म किया है? एंजल टैक्स। हाँ, एंजल टैक्स। यस, तो एंजल टैक्स वगैरह था उसको खत्म कर दिया है। एंजल टैक्स की कोई बहुत बड़ी भूमिका कोई अर्थव्यवस्था में थी नहीं, वो उसको खत्म कर दिया है, उसका कोई नुकसान तो है नहीं। एंजल टैक्स का कोई नुकसान नहीं है देश को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के समक्ष अगर जो चुनौतियां हैं उनको समग्र दृष्टि में देखा जाना चाहिए। अब देश एक तरफ तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है, और ये सरकार ने ठाना है, रिजोल्व है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और देश की आर्थिक नीति उसी तरीके से बनानी भी पड़ती है, जो जिसमें टैक्स का कंट्रीब्यूशन हो, जिसमें अर्थव्यवस्था वायलेंट हो सके, जिसमें अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके, उसको गति मिल सके। तीसरी बात यह है कि भाई अब देश में जो आम जनता है उसका भी है, जो गरीब लोग हैं उनका भी है। अंसारी साहब कह रहे थे कि साहब 80 करोड़ जनता जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है, तो क्या 80 करोड़ जनता है, क्या वो पढ़ नहीं रहे हैं, क्या वो लिख नहीं रहे हैं, क्या वो स्कूल नहीं जाते, क्या वो कॉलेज नहीं जाते, क्या उनको स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, क्या वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले उस पर नहीं आएंगे, क्या वो इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे, क्या वो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि वो स्कूल कॉलेज नहीं जाते? ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए ही है सबसे ज्यादा अधिक लाभ, तो उन लोगों को ही होने वाला है जो 80 करोड़ की जनता है। और जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है, और जो ये समझो जो थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ाया गया है तो ये उन लोगों के ऊपर है जो टैक्स को पे कर सकते हैं, जो अदा कर सकते हैं, और जिन्होंने लाभ कमाया है, जिन्होंने मुनाफा कमाया है, जिन्होंने किसी भी तरीके से निवेश करके जिनको लाभ हुआ है तो वो थोड़ा टैक्स भी देंगे। इसमें कोई हानि नहीं है, किसी की हानि नहीं है। अगर उन्होंने कोई 100 रुपए कमाए हैं तो 15 रुपए 10 रुपए सरकार को देने में कोई हानि नहीं है। ये भी तो देश के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आएंगे। देश के अंदर जो पोर्ट बन रही है, बंदरगाह बन रही है, सड़क बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है, ये उसी के काम आने वाले हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो किसान है, 80 करोड़ का जो अंसारी साहब कह रहे थे, क्या उसमें किसान नहीं है? उसमें किसान भी हैं, ज्यादातर लोग किसान ही हैं। किसान को उसकी उपज का लाभ देना, किसान को उसकी उपज को मंडी तक पहुंचाना, किसान को उसकी उपज का किसी वैल्यू एडिशन किसी अच्छे प्रोडक्ट में बदल देना, यही चाहिए किसान को। किसान मंडी में नहीं जा पाता, छोटा किसान मंडी में नहीं जा पाता है, तो वो मंडी में नहीं जा पाता तो उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता। तो उसी के लिए ही इस बजट के अंदर ये इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं, उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि उसको लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। तो ये आलोचना करते हैं भाई, हमारे जो राजनीतिक दल है वो तो करें, लेकिन वो रचनात्मक आलोचना करें ना, उसकी नीति की आलोचना करिए। आप किसी कोई ऐसी नीति हो, कोई ऐसा प्रावधान हो जो आम जनता के को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो आप उसकी चर्चा करिए ना, तो फिर हम लोग उसका जवाब भी देंगे, हम भी करेंगे उसकी चर्चा। अगर कोई ऐसा प्रावधान बजट में है, आपकी नॉलेज में या आपके जानकारी में कोई ऐसा प्रावधान हो जिससे आम जन को नुकसान होता हो, जिसको किसान को नुकसान होता हो, जिसको गरीब को नुकसान होता हो, आप उस प्रावधान का जिक्र कीजिए तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। लेकिन जब कोई ऐसा प्रावधान है नहीं और इसमें कोई एक आलोचनात्मक दृष्टि से कह दिया जाए कि नहीं जी बजट तो अच्छा नहीं है, मैं तो ये तो भाई कौन मानेगा इस बात को, कोई मानेगा? अंसारी जी आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मेरे को, मैं कैसे विपक्ष की आवाज सुनूं? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अंसारी बोल रहा हूँ। जी मैं बोल रहा हूँ। जी आ रही है आपकी आवाज, पर बहुत कम आ रही है। हमारे जो अंसारी हमारे साथ मौजूद है वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर नीति कोई खराब है तो आप आवाज उठाइए, बेवजह ये कह देना कि बजट पूरी तरह से गलत है तो ये तो कहीं से जायज नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस दोस्त से, मेरे जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, एक बात बताइए, 3 लाख रुपए तक पे इनकम टैक्स नहीं किया
इसका मतलब 5,000 रुपए महीना गया। जिस आदमी की आमदनी 3,00,000 रुपए होगी इसका मतलब 25,000 रुपए पर मंथ होगी। 25,000 रुपए आज की तारीख में, पहली बात तो ये कि कितने बच्चे ऐसे बेरोजगारे हैं जो 10,000 से 15,000 रुपए में काम करना चाहते हैं, उन्हें 15,000 की नौकरी भी नहीं मिलने को तैयार है, कहाँ से उनको 3,00,000 रुपए का मुनाफा फायदा मिलेगा? इससे कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। एक ऐसे लोगों के लिए इंटर्नशिप की बात की गई है कि नहीं की गई है? एक सेकेंड अंसारी जी, ये बताइए, ऐसे लोगों के लिए तो एक आ गया है ना कि जो 500 कंपनियां हैं टॉप की, उसमें इंटर्नशिप युवाओं को दी जाएगी, उसमें उन लोग को काम दिया जाएगा। तो सबसे आज मुद्रा लोन बच्चों को स्वतः रोजगार के लिए दिया जा रहा है, जो कि पहले 10,00,000 था फिर उसको 20,00,000 कर दिया गया। तो अपना स्वतः रोजगार करेंगे और लोग रोजगार भी दे सकते हैं वो, मतलब इतना सक्षम बनाने वाली योजनाएं हैं जिसका विरोध कर रहे हो आप। एक चीज बताओ ना, हम ये कहते हैं विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन जो सही है उसको सही भी ठहराओ ना। आप बताइए, अगर मुद्रा लोन हमें 20,00,000 मिल रहा है, हम उससे कोई रोजगार खोल रहे हैं, उससे हम कई लोगों को रोजगार भी तो दे रहे हैं ना। खाली अकेला हम रोजगार खोल के तो नहीं बैठ जाएंगे, और महिलाओं का भी समूह बनाकर चल रहे हैं, उसमें भी आप देखिए काफी उन्होंने दिया बजट। तो आप चलिए ठीक है, एक दस से आप ये कहते हो, मेरी बहन पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आप कहिए, मैं आपकी बात से यकीन कर रहा हूँ। देखिए एक बात बताइए कि 25,000 रुपए महीना कमाने वाले को 3,00,000 रुपए में इनकम टैक्स की छूट है, आप कह रही हैं बजट में आज ये प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि कल को अगर आपको 15,000 रुपए में कितने बच्चे चाहिए जो ग्रेजुएट हो, जिनको नौकरी चाहिए, उनको आप रखें, उनको कहाँ रखेंगे आप, क्या देंगे उनको? उन्हें भी 5 किलो अनाज देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो प्राइवेट दुकानदार है, प्राइवेट मेरी बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, हमने 3,00,000 की छूट लेके जा रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं, नहीं आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप ये बताइए, हम ऐसे युवाओं के लिए तो इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, ऐसे युवाओं के लिए तो हम मुद्रा लोन लेकर आ रहे हैं ना, ऐसे बेरोजगारों के लिए तो ला रहे हैं। आप 15,000, 20,000, 25,000 की बात कर रहे हैं, हम तो सभी बेरोजगारों के लिए बात कर रहे हैं ना। और हम ये भी कह रहे हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब पे जाएंगे उनके लिए भी सरकार कर रही है, फर्स्ट टाइम के लिए भी। आप ये सोचिए, सरकार जितना कर सकती है उतने ज्यादा वो देश की चिंता कर रही है ना। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो का इन्होंने पेस्ट कर लिया है, एक तरफ आप अपने मैनिफेस्टो को कह रहे हैं, एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, अंसारी जी सुनिए, सुनिए अंसारी जी, मैं आपको अंसारी जी मैं आपको आप सुनिए, मैं सुधार कर रहा हूँ। आप सुनिए, सुनिए अंसारी जी सुनिए, 7,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। हमारी जो नया टैक्स रिजीम है, जो नई व्यवस्था है, उसमें 3,00,000 रुपए तक तो एग्जम्प्ट है, लेकिन 7,00,000 रुपए तक की आय वाला व्यक्ति के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसमें रिबेट दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 7,00,000 रुपए तक की इनकम वाले को रिबेट दे रखी है, 25,000 रुपए की रिबेट दे रखी है। अगर उसका टैक्स 25,000 यानी कि 7,00,000 रुपए तक की आएगा व्यक्ति 50,000 रुपए पर मंथ प्रति महीना से ज्यादा का कमाने वाला व्यक्ति के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। तो असल में ये कहने के 7,00,000 है, लेकिन रिबेट को कंसीडर कर लो, अगर आप रिबेट को भी ले लो तो 7,00,000 रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, ये आपको ये मैं बता रहा हूँ जो एक्ट के अंदर में उसकी आयकर का जो एक्ट है उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है, 7,00,000 कोई टैक्स नहीं। मेरे अजीज एक बात बताइए, टैक्स तो बात की चीज है, पहले तो सब्जी खा ले, पहले तो रोटी खा ले, सब्जी खा ले गरीब आदमी, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि दस्तकार जो है वो आज की तारीख में बेरोजगार है बैठा है, दस्तकार के पास काम नहीं है, छोटे दुकानदारों के पास काम नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे? रही मुद्रा लोन की बात मेरी बहन कह रही थी, तो मुझे लिस्ट तो दिखा दो कि कितने लोगों को आपने मुद्रा लोन दिया, कौन से गरीब दुकानदारों को मुद्रा लोन मिल गया, वो आज भी ब्याज पे पैसे लेके काम करते हैं दुकानों पे।
चांदनी चौक में चले जाइए, वहाँ का जो मजदूर काम करता है वो भी 12-15 हजार रुपए तनख्वाह लेता है, सारा दिन काम करता है। क्या वो 15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी अपने बच्चों को रोटी और दवाइयां दे पाएगा? कैंसर की दवाई पे आपने एक छूट दी, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया फैसला था, लेकिन क्या शुगर के मरीज तो करोड़ों की तादाद में है पूरे हिंदुस्तान में? शुगर की जितनी भी दवाइयां उनके शुगर की तो दवाइयां बहुत सस्ती हैं। एक सेकंड, शुगर की दवाइयां हमारे जो जन औषधि केंद्र है बहुत सस्ती दवाई, बहुत सस्ती दवाइयां। जन औषधि केंद्र पे एक सेकंड, जन औषधि केंद्र भी गए हैं आप? जन औषधि केंद्र की दवाइयां देखी है मैंने, बीटाडीन देखी है, वहां की क्वालिटी आपने देखी है क्या? आपकी दवाइयों में इतनी सस्ती बात है? चलिए ठीक है, अंसारी जी सुनूंगी एक मिनट। त्रिपाठी जी, यहाँ बात देखिए, चाहे वो मुद्रा लोन की हो चाहे वो दवाइयों का हो, अभी तीन ऐसी दवाइयां हैं कैंसर की जिनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको लेकर बहुत छूट दी गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अंसारी जी जो सवाल कर रहे हैं, जो पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ों को, वो भी गलत नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। नहीं, अंसारी जी कौन सी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं? अंसारी जी तो जो पॉजिटिव है उसको देख नहीं रहे हैं, जो निगेटिविटी उसको देख रहे हैं। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, सबके लिए संसाधन जुटाना, मूलभूत सुविधाएं देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बेरोजगारों को देखना, महिलाओं को देखना, युवाओं को देखना, देश की सीमाएं उनको देखना। आपको एक परिवार देखना होगा, अंसारी जी सबको नहीं देख पाते होंगे, उसमें जो बीमार होगा पहले उसको देखेंगे, उसका इलाज कराएंगे। वही स्थिति देश की भी है, किसको छोड़ा गया है, किसको लाभ नहीं है, आप बताएं अंसारी जी, किसको लाभ नहीं हुआ इस बजट से? सबका ख्याल रखा गया है। और अगर इस देश को एक परिवार माने तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इस बजट में छोड़ा गया हो। और आप कहते हैं इलाज की बात, दवाएं महंगी है, मोदी सरकार की आयुष्मान योजना है जिसमें सिर्फ गरीबों को रखा गया है, 5 लाख तक के इलाज मुफ्त मिलते हैं, सरकारी अस्पताल में जाकर आप वहां इलाज कराइए। अब आपको चाहिए कि सबको नौकरी मिल जाए, इतने सारे लोगों को नौकरी कहां से कौन सेक्टर दे देगा? यूएसए में सबको नौकरी नहीं मिल पाती, आप यहां सबको नौकरी चाहिए, टैक्स आप देंगे नहीं, टैक्स आप देंगे नहीं, टैक्स देने वाले कुछ सीमित वर्ग हैं, उस सीमित वर्ग के टैक्स से पूरे देश का व्यवस्था देखना अंसारी जी कैसे होगा? वो देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे भाईजान सारी जवाब सुन लीजिएगा आप। इसका जहाँ तक ताल्लुक है तो हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी है, जो भारतवर्ष के लोग हैं, वो गल्फ कंट्री से 1/3 GDP का पैसा भेजते हैं, वो टैक्स नहीं देते तो क्या देते हैं? तो यहाँ से हमारे बच्चे 18 साल के 20 साल के होते हैं और बाहर कमाने चले जाते हैं, पैसा भेजते हैं कमा के। ये हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ। गल्फ से जो है पूरा डाटा अगर आप उठा के देखेंगे तो जी 1/3 पैसा हमारे गल्फ से आता है और वो हम लोग हिंदुस्तानी कमा के भेजते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जवाब ले लेते हैं। देखिए दूसरी बात ये, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। ये गद्दारी की वजह से हिंदुस्तान के अंदर गरीबी आ रही है और ये बेरोजगारी बढ़ रही है, दस्तकारिता को खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी कम हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण जो है वो जनसंख्या है, आप जनसंख्या पर दृष्टि बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी का कारण आप जो है ना जनसंख्या उठाते हैं कि मुसलमानों में जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्कुल जनसंख्या नहीं है, बिल्कुल जनसंख्या ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ मंसारी जी, मेरी एक बात सुन ले, आप गलत कह रहे हैं। अरे भाई जान, अंसारी जी मेरी एक बात सुन ले, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात नहीं करते। अरे हम हिंदुस्तानी है, मैं आपकी दुआ से आए, मैं आचार्य हूँ, मेरे दल की पड़ी है, ऐसा नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी है, सबके सामने बेरोजगारी की समस्या है। संदीप वर्मा जी का रुख करूंगी, कौशिक साहब आपके पास आ रही हूँ। अभी ये कहा गया कि जैसे कि हमारे देश में जो फैसला आया था, हमने देखा था कि 7 लाख तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन
सवाल यहाँ पर देखिए जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है जो 50,000 से ऊपर कमा रहा है, जो 50,000 से नीचे कमा रहा है, जो 10 से 15,000 कमा रहा है, चलिए उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, लेकिन ये जो 20 से 25 वाले लोग हैं उनका क्या? ये सवाल आपके लिए कौशिक साहब, आपसे पूछ रहे हैं लोग। हाँ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए 20 से 25,000 वाले लोगों पे कोई टैक्स का कोई बर्डन नहीं है जी। सर, 20 से 25,000 लोगों वाले के ऊपर टैक्स का महंगाई की मुसीबत तो है, यही तो लोग पूछ रहे हैं आपसे। नहीं मैं कह रहा हूँ जो 20 से 25,000 रुपए कमाने वाले लोग भी हैं और 30-40,000 कमाने वाले लोग भी हैं, 50,000 और सब तरीके के लोग हैं, 140 करोड़ की पब्लिक है, जनता है, सब तरीके के लोग हैं। लेकिन उसमें ये देखा जाना चाहिए कि भाई जो टैक्स का बर्डन है तो क्या किसी अनुचित है क्या? 7 लाख रुपए तक कोई चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख वालों तक के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, एक पैसे का भी टैक्स नहीं है। मैं आयकर अधिनियम कर रही हूँ कौशिक साहब, एक बहुत आयकर अधिनियम का बता रहा हूँ सर, कि उसमें 1 लाख से 7 लाख रुपए तक कमाने वालों के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स का कौशिक साहब यहाँ पर टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अजी और जो टैक्स मैं जो कह रही हूँ वो बात ये है, एक मिनट सर मेरी बात पहले सुन लीजिए, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। कौशिक साहब मैं बस ये कह रही हूँ कि ठीक है जो 50,000 तक कमा रहा है इंसान या फिर जो 7 लाख तक सालाना कमाता है उस पर टैक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए वो टैक्स से छूट गए, लेकिन 50,000 कोई कमा रहा है तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो 20 से लेकर 30 तक के लोग हैं, देखिए वो तो टैक्स तो देंगे ही नहीं, ये तो अपने आप में तय है, लेकिन महंगाई की मार भी झेलते हैं, परिवार कैसे चले, सबसे महत्वपूर्ण ये है परिवार कैसे चले सर, उनके लिए तो वो भी योजनाएं नहीं है ना जो लोग जो 10,000 से 15,000 वालों के लिए है, ये पॉइंट लोग चाह रहे कि आप उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालें तो समझ में आए लोगों को। देखिए ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा कहीं पूरे विश्व में किसी दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिनकी तनख्वाह कम है या तो वो बेरोजगार है व्यक्ति बिल्कुल ही, तो उसको सहायता राशि मिलनी चाहिए, या जो रोजगार है, जो रोजगार संपन्न व्यक्ति है चाहे कम है तो ज्यादा है, वो अपना भरण पोषण और परिवार का भी करता है, ठीक है। लेकिन उसका ये प्रश्न ये है कि वो जो 15,000 कमाने वाला 20,000 है उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, बिल्कुल प्रश्न ये है कि उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसी के लिए ही ये जो जितने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं जिसके अंदर ये स्किल को निखारा जाएगा, उनकी स्किल को बढ़ाया जाएगा। देखिए मैं CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अनेक प्रकार की कॉरपोरेट कंपनीज के अंदर और मेरे कारोबार है, और कंपनीज क्या कहती हैं, कंपनीज कहती हैं कि साहब हमें हमारे हिसाब का जो स्किल चाहिए वो व्यक्ति नहीं मिलते, और व्यक्ति कहता है जी मेरे पास नौकरी नहीं है कोई 10,000-15,000, और वो जो कहते हैं कंपनी कहती है कि हमारे पास जगह बहुत है लेकिन हमारे जो चाहिए उस हिसाब की स्किल नहीं है, उस प्रकार से उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ, तो उसी के लिए ये स्किल सेंटर खोले गए हैं, उनकी स्किल को निखारा जाएगा, उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा, उनकी विकास किया जाएगा, उनको विकसित किया जाएगा, और विकसित करने के बाद में उनकी आय को बढ़ाने का अवसर उनको निश्चित रूप से मिलेगा। ये जो योजना लेके आई है सरकार, इसीलिए लेके आई है कि प्रशिक्षण शिविर पूरे देश भर में खोले जाएंगे और उनकी स्किल को बढ़ाया जाएगा। संदीप वर्मा जी मेरे पास समय कम है, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर संदीप वर्मा जी से कर रही हूँ। संदीप वर्मा जी, पूरे बजट पर हमने डिस्कशन किया, अंसारी जी के अपने पॉइंट से जो किसी तरीके से यहाँ पर हमारे अर्धशास्त्री जो बैठे हुए उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, हमारे त्रिपाठी साहब भी बैठे उन्होंने भी क्लियर करने की कोशिश की, अनिता अग्रवाल जी बजट की जो खासियत है वो समझाने की कोशिश कर रही है, खामियों पर अंसारी जी लगातार पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन संदीप वर्मा जी सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बार बार मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ जो बातें निकलकर सामने आ रही वो ये कि बिहार को और आंध्रा को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्यों? यहाँ पर ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि वेंटिलेटर पे राज्य थे,
अगर वेंटिलेटर पे थे तो क्यों थे, क्या वजह थी, केंद्र में 10 सालों से एनडीए की सरकार है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ ये दोस्ती एनडीए गठबंधन को चिपका कर रखना, फेविकोल का जोड़ बना कर रखना, इसी वजह से ज्यादा हाईलाइट किया गया? बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। देखिए, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि फेविकोल का जोड़ है। कोई भी जब सरकार के साथ जब गठबंधन करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मंशा को रखता है पहले ही कि देखिए हमें बिहार के लिए चाहिए। और इसमें गलत ही क्या है, अगर बिहार को 26,000 करोड़ रुपए से, तो अगर उनको रोड टैक्स के लिए दिया गया कि रोड के लिए व्यवस्था आप अच्छा करिए, सुदृढ़ करिए, ताकि वहां पर इंडस्ट्री लग सके। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको समझने वाली बात है, बहुत जल्दी से आपको समझाता हूँ। बिहार में और झारखंड दोनों जब अलग हुए थे तो मिनरल जो सबसे ज्यादा चीजें हैं वो बिहार से अलग हो गई थी, वो झारखंड के पास चला गया था। इसीलिए वहां देखिए झारखंड पीछे नहीं है, जबकि बिहार का हिस्सा था, लेकिन जब बिहार के साथ था तो बिहार बहुत डेवलप था, ऐसा नहीं था बिहार बहुत पीछे था। लेकिन जैसे बिहार झारखंड से अलग हुआ तो फिर वहां पे थोड़ी सी परिस्थितियां बदली। देखिए क्या होता है, जब कोई कमाऊ राज्य होता है ना, कहते हैं घर में कमाऊ बेटा है तो उस पर ज्यादा फोकस्ड होता है। इसी तरीके से जब कोई बच्चा कमाऊ नहीं होता है तो उसको स्किल दिया जाता है, उसको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लायक बनाया जाता है। ऐसे बिहार की स्थिति ये है कि अभी वहां पे लेबर ग्रेड तो वहां से बहुत ज्यादा निकलती है, लेकिन क्या वहां पे इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटअप हो सकती? तो इसके लिए बिहार की इंफ्रा की बहुत अच्छी जरूरत है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने उससे बहुत अच्छा सोच रखा है और सबसे ज्यादा बजट दिया है। क्यों? ताकि यूपी बिहार से सटा हुआ राज्य है, यूपी से जो और बाकी पूर्वांचल से जो लेबर माइग्रेट होते हैं वो माइग्रेट ना होके वो बिहार में रहे और यूपी के पूर्वांचल में रहे, जिससे ज्यादा कि सबसे ज्यादा लेबर वहीं पे वहीं जाते हैं, तो माइग्रेट जो हो रहे, जो माइग्रेट की सबसे बड़ी समस्या थी देश में, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। आपने कोविड काल में देखा होगा कि कितने लेबर किस तरीके से जा रहे थे। अब रही आंध्र प्रदेश की बात, देखिए आंध्र प्रदेश भी वही हाल है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, इनके उत्थान के लिए इनकी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, इनके एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ नए इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं। और नए इंडस्ट्री कंपनी कोई भी लगाता है मिनिस्टर, तो वो जो सबसे पहले अपनी व्यवस्था वही देखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, रोड तो ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन सही हो जाएगा, मेरा मटेरियल तो सही से पहुंच जाएगा, तो इस पर फोकस करता है सरकार। इसीलिए इस पे बिहार विशेष पे फोकस किया है। और ये बहुत दिनों की बात थी जो सरकार ने पूरा किया। एक साल में ये जो बजट हमारे सामने आया है, देखेंगे कि ये एक साल में कितना धरातल पर नजर आएगा, लोगों को किस तरीके से लाभ होगा, क्योंकि आज तो आम जनता के लिए बजट सामने आया है, आम जनता खुश है। कहीं ना कहीं हमारे अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि आम जनता में कहीं ना कहीं संतुष्टि है, विपक्ष लगातार इस पर आवाज उठा रहा है, लेकिन ये धरातल पर कितना अच्छे तरीके से नजर आएगा इसका इंतजार। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज देश में एक बार फिर से बजट पेश हुआ और इस बजट में आम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, टैक्स रिलेटेड, लोन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन मिडिल क्लास तक जो फोकस गया है वो धरातल पर कितना नज़र आएगा? आम जनता जो कि ऐसे लोग हैं जिनकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस बजट से, उन पर अब धरातल पर क्या असर नजर आएगा, इसका इंतजार हम करते हैं। और साथ ही साथ एक साल में जो योजनाएं, जो लाभ मिलना चाहिए, जो जो मंत्रालय को जितना जितना बजट मिला है उस मंत्रालय में क्या क्या काम होगा, इसका भी इंतजार करेंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।